2017 मार्च का महीना, तब भी गौरव आर्या से ड्रग्स को लेकर बातचीत है। 2020 एक बार फिर से अप्रैल के महीने में ड्रग्स को लेकर बातचीत है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ग्राफिक्स के जरिए हम बात आपको समझा दें। रिया के ड्रग्स गैंग में कौन कौन शामिल था? रिया ने कहा है, मैंने कभी ड्रग्स का सेवन नहीं किया। एनसीबी जब ये जांच कर रही है तो तमाम सवालों के जवाब में आज रिया ने जो कहा है, रटे रटाए बयान दे रही है रिया चक्रवर्ती, यानी उसने अपने वकील के जरिए, देखिए इससे पहले भी वाकई जब उनसे सवाल दागा था आज तक ने कि आखिर ड्रग्स को लेकर आपकी जो चैट है उस पर क्या प्रक्रिया है, उन्होंने एक रटा रटाया जवाब दिया था कि मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगी, मैं टेस्ट के लिए तैयार हूं, मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिया। लेकिन सवाल यह है कि 2017 में कौन से सुशांत सिंह राजपूत थे जिनके नाम पर आज ये बात कही जा रही है कि उनके लिए ड्रग्स आप ला रहे थे, उस वक्त आपके ड्रग्स का चैट किसके लिए हो रहा था? 2020 में अब जब ऐसे व्यक्ति पर मामला आया है जो अपने आप को डिफेंड करने के लिए, बचाव के लिए दुनिया में है ही नहीं, तो उसी के नाम पर सभी लोग ड्रग्स के अपने अपने चैट को जस्टिफाई करें। बहरहाल, रिया से ड्रग्स से जुड़े चैट को लेकर सवाल किया गया, रिया के ड्रग्स गैंग में कौन कौन शामिल था, ये तमाम बातें देखिए एनसीबी की 6 घंटे तक पूछताछ चली, नहीं स्वीकारा। रिया चक्रवर्ती ने अपने ही ड्रग्स के लिए व्हाट्सएप चैट से इनकार कर दिया, नहीं स्वीकारा। रिया का सामना शौविक, दीपेश, सैमुअल से हो सकता है और इसी के जरिए सैमुअल मिरांडा, देखिए ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्होंने कबूल लिया है और उन्होंने कबूला ही नहीं है, उन्होंने रिया तक का नाम ले लिया है, लेकिन बावजूद इसके वो अभी तक इनकार कर रही हैं। अब जब सामना होगा कि आपने तो बोला था, और वो सामना होगा उसके बाद इनकार करना मुश्किल होगा। क्या सुशांत ड्रग्स लेते थे? ड्रग्स करेक्शन पर रिया से एनसीबी के ये तमाम सवाल थे, क्या आप ड्रग्स लेती थी? ये सवाल महत्वपूर्ण है। 2017 में भी तो व्हाट्सएप चैट थे ड्रग्स के लिए, तब कौन से सुशांत सिंह राजपूत थे जिनके लिए आप ड्रग्स ला रहे थे? ड्रग्स कौन मुहैया कराता था, ये सवाल भी दागा गया। 2017 में ड्रग्स को लेकर किससे चैट की, किसके लिए की? आज सुशांत के नाम पर ये तमाम लोग बातें कर रहे हैं, तब 2017 में ड्रग्स किसके लिए ले रहे थे? व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स का सच सामने आया, पेडलर से ड्रग्स कौन लाता था? ये तमाम सवाल आज एनसीबी के जो दागे गए हैं रिया से। क्या सुशांत को ड्रग्स लेने पर मजबूर किया गया, ये तमाम सवाल है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव आप आज तक पर देखने वाले हैं।